सम्मेलन किया है, उससे बोला कि मुसलमानों के नाम सब लोग आ जाओ। पहली बार एक नागरिकता का कानून बन रहा है जो धर्म के आधार पर है, इस्लाम का किसका विरोध है। हमेशा इतना बोलना चाहिए था, वी विल वेलकम ऑल प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन है, रोहिंग्या है, रबदिया है, तमिल, श्रीलंका के जो फसले हैं वो सब वेलकम है भारत। यही भारत की परंपरा रही है, ये हमारी आजादी की संघर्ष की परंपरा रही है, क्योंकि हम लोग वन नेशन जीने वाले थे, वन नेशन और हमारी विविधता था। मगर जो टू नेशन जीने वाले थे वो कभी भी आजादी के संघर्ष में नहीं नहीं, इससे उनको एक राष्ट्र बनाना आता ही। साथियों, दूसरी बात कि जिस वजह से नोटबंदी के दौरान दो साल ये देश शांत रहा, और कम लोग थे जिन्होंने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि बोला गया था कि काला धन, करप्शन वगैरह वगैरह आतंकवाद आतंकवाद जो हर बार मोदी फेंकता है। मगर नोटबंदी से आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। इसी प्रकार से एनआरसी से समाजबंदी है, समाजबंदी से समाज बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। और साथियों, हमारी आजादी का संघर्ष का सबसे बड़ा जो जीत थी कि हम लोग एक सेक्युलर राष्ट्र बना पाए, मगर हम लोग हारे भी थे। हारे थे क्योंकि धर्म के बुनियाद पर दो राष्ट्र बन गए, एक धर्म के बुनियाद पर बना और एक सेक्युलरिज्म के बुनियाद पर बना। यह समझिए साथियों कि हम लोग हिंदू राष्ट्र के विरोध में हैं, हम लोग इस्लामिक राष्ट्र के विरोध में हैं, इससे हम लोग एक सख्त भूमिका होती है। हम लोग धर्म कट्टरवादी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जितनी कट्टरवादी धर्मांध ताकतें हैं हम लोग सब चौके खिलाफ, क्योंकि कोई भी धार्मिक राष्ट्र में समान अधिकार नागरिक को मिल ही नहीं सकता है। समान अधिकार धार्मिक राष्ट्र में संभव है नहीं सकता। और एनआरसी और सीए का जो ज्वाइंट अटैक है उसमें एनआरसी में आम लोग सब फंसेंगे, 60-70% भारत की जनता के पास सर्टिफिकेट नहीं होते और आम जनता सब इसे भी सब फंसे। हम जानते हैं कि आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए मोदी ने शाह ने एक पत्ता खेला, उससे भयंकर बात साथियों उन्हें ध्यान से सुना। भारत उस दौर में है जो जर्मनी का 1930 था, जो 1930 के दशक में जब हिटलर सत्ता में आए थे उसके पहले ही कुछ वैसे कानून उन्होंने तय करके रखे थे कि जब वो सत्ते में आएंगे तो यहूदी के खिलाफ बनाएंगे। उनके ऐसे 10-12 कानून बने और फाइनली डिटेंशन सेंटर से लेकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप तक पहुंचे। कोई अमित शाह और मोदी भारत के मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं, मगर भारत का हिंदू वो होने के नाजिस दीनदारी क्या नाजिस। दूसरी बात साथियों, आज वक्त है सच्चाई की, आज वक्त है सच बोलने की, लिखने की, और हम लोग उत्तर है। भारत अभी एक फासिस्ट राष्ट्र बन चुका है, इमरजेंसी आ चुकी है, उसके खिलाफ हम लोग संगठित होकर आज इस ऑगस्ट क्रांति मैदान में खड़े हैं और संघर्ष की तैयारी हमारी जारी है पूरे देश में। और ये देश फासिस्ट क्यों बन चुका है, सभी इंस्टीट्यूशन के कब्जे में। मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा और वो है सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान से सुनना साथियों, मुझे सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, मुझे उसके जजेस में भरोसा नहीं है।
जो सुविधा सुविधा का जो चल रहा है, हम हिंसा में यकीन नहीं करते। हमारे हाथ से कभी पत्थर नहीं चलेगा। हम गांधी कहेंगे, गांधी बताएंगे, हम पत्थर चलेंगे। यही गांधी जी का संदेश है। इसलिए साथियों, आने वाले 5 साल में तैयारी करो। आने वाले 5 साल में जिस प्रकार का माहौल बनते जा रहा है, 10 लाख भारतीय नागरिकों का संसद का घेराव करना होगा, पार्लियामेंट का घेराव करके हमें वाला देश देना होगा। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट का बढ़ता है, जामिया के बच्चे मार खा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब तक आपके प्रोटेस्ट बने होंगे तब तक मैं सुनूंगा नहीं। 4 महीने से कश्मीर के लोग बंद है, मैंने सुप्रीम कोर्ट सुनने की बात नहीं कर। ये है आज सुप्रीम कोर्ट का हालात। सुप्रीम कोर्ट के लिए बीजेपी का आने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का भी घेरा एक देश की जनता करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक दिन है, शहादत का दिन है, सादी संस्कृति का दिन है, सादी विरासत हमारी जिसके लेकर आज पूरा देश खड़ा हो चुका है ओडिशा के दमन के खिलाफ। आप कसम खाए कांग्रेस पार्टी मैदान में, उस मिट्टी को ले लें हाथों में, जो जो सादी ओडिशा की मैदान की मिट्टी मैंने हाथ में ले सकता वो ले ले सकता। वो पावन मिट्टी हमारी, वो मिट्टी जिसमें खून मिला हुआ है, जिससे हम लोग आजादी का संघर्ष किए थे सर, और इस क्रांति मिट्टी की सौगात, भारत की मिट्टी की सौगात, इस देश को हम लोग बचाएंगे और इस देश में लोकतांत्रिक। उसको ऐसा होने नहीं देंगे, ये कह
पाए हैं और ये हमारी विरासत है, मुंबई की विरासत है। आप मुंबई में है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई किसकी है, ये मंडलों की मुंबई है। ये मंडलों ने जिससे जो बात है जो है वो हमारे पैनल को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई भी करेगा।